हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज काफी महत्वपूर्ण बात है बजट को लेके। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या देश के जितने भी नागरिक हैं, सबकी निगाहें बजट को लेके है। उसी में ईपीएस 95 पेंशन धारक भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए हैं कि बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था या अतिरिक्त बजटीय प्रावधान होगा, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो उनकी दैनिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात उनको मिल सकती है। आइए जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस बजट में किस प्रकार के छूट दिए गए हैं। क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक किसी भी प्रकार से इस बजटीय व्यवस्था के प्रावधान जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए दिए जाने वाले थे, क्या उस को मिल पाया है या नहीं मिल पाया? क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक उस प्रावधान से लाभान्वित हुए हैं या नहीं, या किन किन विषयों से ईपीएस 95 पेंशन धारक लाभान्वित हो रहे हैं, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से हम चार टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। इन चार टॉपिकों के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारक बजटी जो तो लाभ ले पाएंगे या नहीं इस बार। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को डायरेक्ट तो नहीं दिया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त बजटी व्यवस्था है, डायरेक्ट नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारक या यू कहें कि जितने भी देश के सीनियर सिटीजन है, सभी को लाभ दिया गया है। वो किस प्रकार के लाभ है, कौन कौन से लाभ है, किस कितना उससे उनको फायदा होने वाला है, ये सारी की सारी बातें हम लोग जानेंगे अपने आज की इस खास वीडियो में, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। उनके बजटी व्यवस्था को समझने और बजटी व्यवस्था में किस प्रकार से उनको लाभ मिला है, कितना उनको लाभ मिला है, उसे जानने से संबंधित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो चार टॉपिक है, उन चार टॉपिकों में पहला नंबर पे है स्वरोजगार योजना। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, इसे भी हम लोग जानेंगे। दूसरे नंबर पे टैक्स में छूट को लेके किस प्रकार से बात कही जा रही है, उसे भी हम लोग जानेंगे। तीसरा नंबर पे है दवा, रख रखाव और स्वास्थ्य को लेके बात कही गई है, जो जितने भी सीनियर सिटीजन है सबके बारे में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और चौथे नंबर पे है कि अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि पेंशन राशि में भी उनको बढ़ोतरी मिल सकती है, यानी कि पेंशन राशि में भी वृद्धि देखने को मिलेगी आने वाले समय भविष्य में। तो क्या इस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जब जो चार प्रमुख बातें हैं, जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका इसी के ऊपर चर्चा करने की बात कही गई थी कि इसके ऊपर चर्चा करें, बात करें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितना पेंशन की राशि मिलेगी, किस प्रकार से लाभ मिलेगा, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह सही रहेगा बजट, वो हमें समझाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो पहला नंबर पे है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देखा है कि उनके मन के अंदर में एक ललक है काम करने को लेके, एक ललक है कि वो आगे चल के बैठे ना कुछ काम करें। उस काम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के रूप में एक जो तो एक बहुत बड़ा अभियान है, जो इस जिसके तहत जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं या यूं कहें कि देश के सीनियर सिटीजन हैं, सबको लाभ मिलेगा इससे। तो यहाँ पे अगर ये बात उठती है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या ये लाभ मिलेगा या नहीं, क्या डायरेक्ट किसी भी प्रकार का इसमें लाभ का प्रावधान है या नहीं, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लाभ की बात इसमें कही जा रही है। दूसरे नंबर पे है टैक्स में छूट। तो क्या डायरेक्ट ईपीएस 95 पेंशन धारकों के टैक्स में छूट मिल रही है, क्या ईपीएस 95 पेंशन धारक या जितने भी पेंशन धारक हैं उनके पेंशन पे टैक्स की छूट दी जा रही है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि ये नौकरी पेशा लोग या जितने भी अर्जन करने वाले लोग हैं, जिनकी सैलरी या यूं कहें कि जिनकी इनकम जो तो 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से ज़्यादा, उन सबको छूट मिला, कहीं ना कहीं मतलब कि बढ़ा के मिला। जैसे कि 0 से लेके आप 3 लाख रुपए तक का जितना भी था वो पूरी तरीके से फ्री, जैसे पहले था कि 0 से लेके 2.5 लाख रुपए तक जो इनकम थी उस पर 0% टैक्स लगता था, यानी कि टैक्स फ्री था। तो अब 3 लाख तक कर दिया गया है, यानी कि 50,000 रुपये इधर वृद्धि हो गई है। आगे था कि 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक में जो टैक्स लगता था 5% तक का, अब वो 6% तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 3 लाख से लेके 6 लाख तक अगर आपके पास में पैसे की इनकम होती है तो उस पे जो तो 5% का टैक्स लगेगा। इस प्रकार से टैक्स का छूट दिया गया है, तो जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए इस प्रकार का टैक्स में छूट दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सीनियर सिटीजन भी इंक्लूड है, सीनियर सिटीजन हो चाहे ईपीएस 95 पेंशन धारक हो, इस प्रकार से। अब जो तीसरा नंबर पे है, प्रमुख बात है, ईपीएस 95 पेंशन धारक भी इसे जान ले अच्छे से
दवा में और रख रखाव में और स्वास्थ्य को लेके यहाँ पे जो तो डायरेक्ट रूप से सीनियर सिटीजन को जो तो छूट दी जाएगी, सीनियर सिटीजन को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य, रख रखाव और दवा में यहाँ पे ईपीएस 75 पेंशन धारकों को छूट दी जा रही है। और चौथा नंबर पे है जो प्रमुख रूप से कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों को किस प्रकार से छूट दी जा रही है, क्या अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है या नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि बिल्कुल जी हाँ, अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लेकिन यह सो नहीं हो पाया है कि कितने का अतिरिक्त बजटी जो है, अतिरिक्त बजट जो है वो कितना है कि ईपीएस 75 पेंशन धारक उससे लाभान्वित होंगे या दूसरे वर्ग के जितने भी पेंशनर्स हैं लाभान्वित होंगे। मैं आपको बता दूं कि पेंशन के रूप में, पेंशन फंड के रूप में जो तो अतिरिक्त बजट का प्रावधान है, वो पेंशन फंड किसको कि जैसे ओपीएस पे भी बहुत सारे राज्यों में जो तो ओपीएस को लेकर बातें चल रही हैं, और वृद्धावस्था का जो वृद्धा पेंशन है उसको लेके, विकलांग पेंशन है उसको लेके, और जो तो विधवा पेंशन है उसको लेके, तो इस प्रकार के जो पेंशन है उसके लिए अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का प्रावधान है, उसी में इंक्लूड है ईपीएस 75 पेंशन धारक भी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो तो अतिरिक्त बजटीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन अब ये कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये तो हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे, थोड़ा इसको और डीप में समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि ईपीएस 75 पेंशन धारकों के हिस्से में कितना आएगा, ईपीएस 75 पेंशन धारकों को कितना लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि डायरेक्ट ईपीएस 75 पेंशन धारकों के लिए, तो देखिए किसी भी वर्ग को डायरेक्ट नहीं मिलता है इसका लाभ, इसी प्रकार से लाभ मिलता है जिस प्रकार से इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इंक्लूड इसमें है और इसका लाभ भी दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी वीडियो दोनों पसंद आई होगी। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल की घंटी को भी प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय।